नमस्कार, सुस्वागतम, गुड इवनिंग। आज की सुरीली शाम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि फिल्मी संगीत की दुनिया का एक सुनहरा दौर ऐसा रहा है जिसमें हर गाना किसी न किसी राग पर आधारित होता था। पहले ये देखते हैं कि राग क्या है, राग किसे कहते हैं। राग के लिए कहा गया है कि रंजयते इति रागः, यानी राग वो स्वर समूह है जिसके जरिए भावनाओं को व्यक्त किया जाए और जो जनमानस का रंजन करे, या यूं भी कह सकते हैं कि जो सुनने और सुनाने वाले यानी कि गाने वाले को, दोनों को उतनी ही खुशी और सुकून दे। तो आइए ऐसे ही कुछ रागों पर आधारित गीतों के सुरीले सफर पर हम आपको लिए चलते हैं। आज का पहला राग हमने चुना है राग भूप। ये राग रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग है और इसकी जाति औड़व औड़व है। औड़व यानी पांच स्वर आरोह में और वही पांच स्वर अवरोह में, और सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। कल्याण थाट का ये राग है राग भूप। सारे ग प ध इसके आरोह अवरोह। वैसे एक और राग है राग देशकर, उसके स्वर भी कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन ये भूप से थोड़ा सा अलग होता है। जहां भूप पूर्वांग प्रधान राग होता है, वहां देशकर उत्तरांग प्रधान राग होता है। तो कोई भी गायक जब भूप राग गाता है तो उसे इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो भूप में ही रहे, देशकर में ना जा सके। तो आइए आज राग भूप पर हम आज इस महफिल की शुरुआत करते हैं। भूप से ये पहला गाना सुधीर फड़के जी का संगीतबद्ध किया हुआ और पंडित नरेंद्र शर्मा जी के बोल हैं। फिल्म भाभी की चूड़ियां से ये गाना मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ। आज का दूसरा राग हमने चुना है
राग झिंझोटी। ये खमाश थाट का आश्रय राग है और इसे रात्रि के समय गाया जाता है। इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है, यानी कि इसमें आरोह में और अवरोह में दोनों ही में सारे सात स्वर लगते हैं। इस राग को गाते समय श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है और यही वजह है कि इस राग में टप्पा, ठुमरी, दादरा, भजन और गीत, ये कई गीत प्रकार हमें सुनने को मिलते हैं। और मैं कुछ गीत आपको बताना चाहूंगी जो इस राग में हैं। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक नंबर्स इस गाने में, इस राग में बने हैं, जैसे तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, कोई हमदम ना रहा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, जाऊं कहां बताए दिल, या फिर क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, और उसी के जैसा मुंह से छल किए जाए सैया बेईमान। इन सारे गीतों में दर्द की एक झलक देखने को मिलती है, लेकिन अब जो गीत हम पेश करने जा रहे हैं उसमें राग झिंझोटी का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो ये एक रोमांटिक गीत है, पर इसमें छुपा हुआ दर्द और कसक, शकील बदायूनी के गीत और नौशाद साहब का संगीत इसमें चार चांद लगा देते हैं। मैं चाहूंगी हमारे साथ हमारे बांसुरी वादक विनोद जी हैं, उनके लिए पहले तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियां। बांसुरी पर एक छोटी सी झलक हम पहले विनोद जी से राग झिंझोटी की सुनेंगे और उसके बाद अनिल वाजपेयी साहब आपके लिए झिंझोटी में फिल्म मेरे महबूब से ये खूबसूरत नगमा पेश करेंगे। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आंखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई पर्व सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाँ
को छुआ था मैंने, हाँ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। क्या बात है, बहुत खूब। हिंदुस्तानी संगीत का अगला राग चारुकेशी, जिसे कर्नाटक संगीत में तरंगिणी नाम से भी जाना जाता है। इस राग का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। संपूर्ण एक बार फिर इसकी जाती है। सातों स्वर इस्तेमाल होते हैं और इसमें कोमल ध और कोमल नी का प्रयोग होता है। मैं आपको छोटा सा इसका चलन आपको गा के दिखाऊंगी। सारे कुछ गीत आपको जरूर याद आए होंगे। किसी राह में किसी मोड़ पे, या फिर आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, या फिर शाम तेरी बंसी। और एक गाना है जो मैं आपके सामने पेश करूंगी। मदन मोहन साहब ने एक बहुत खूबसूरत गीत बनाया राग चारुकेशी में, फिल्म दस्तक से, जो मैं आपके लिए पेश करूंगी। चूड़ियां छन
अगला राग। मैं गीत गाऊंगी और फिर आप बताइए कि क्या लगता है। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ऐसा नहीं लगता ये गाना सुनने के बाद कि जैसे हम कहीं हिमालय की गोद में या कश्मीर की वादियों में पहाड़ों के बीच पहुंच गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राग पहाड़ी की। कश्मीरी लोक धुनों से प्रभावित राग पहाड़ी एक बहुत ही हल्का फुल्का सा राग है, लेकिन बहुत मीठा राग है, जिसमें शांति है, ताकत है, हौसला है और दिलों को छू लेने वाले कई गीत इसमें बने हैं। और अब जो गीत हम पेश करने जा रहे हैं, एक चीज और मैं बताऊं पहाड़ी के बारे में कि बहुत सारे संगीतकारों ने इस राग का प्रयोग किया और पहाड़ी रागों में ज़्यादातर संतूर और बांसुरी का प्रयोग बहुत होता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है और बहुत ही रोमांटिक नंबर है। और मुझे लगता है अनिल जी की इस गीत में एक बड़ी महारत हासिल है, क्योंकि इतना अच्छा गाना मैंने अनिल जी के अलावा और कभी किसी से नहीं सुना। आइए सुनते हैं गीत। तुम्हें जहाँ की फूलों में फलने वाली रानी हो गुलशिता की, सलामत रहो सीता की, सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो। नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, तुम हुस्न से हसी हो क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी, आँखों हो दो जहाँ की, सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो। दिल से यूं ही खेलो
सलामत रहो